Hello friends, welcome to Economic Darpan. Friends, today we are going to discuss the very, very important topic of economics, that is the cost and the different types of cost, okay? This video is important for all the aspirants who are preparing for different government jobs, because in any kind of exam, these questions can be asked in any form. So surely 3 to 4 questions will be asked in every exam, so do not miss this video. We have divided this topic into 2 parts because video thoda lengthy ho jana tha. That's why we will discuss half of the course today and rest of the course we will discuss in other parts. So let's start. First of all, let's discuss what is the meaning of cost. Cost refers to the monetary and non-monetary expenditure incurred by a producer on the factor as well as non-factor inputs for a given amount of output of a commodity. That means ki jo cost hoti hai usko hindi mein bolte hain hum kharch ya fir lagat. Ye jo producer hota hai jab bhi usne koi commodity produce karni hoti hai to usko factors aur dusre non-factors ki inputs ki zarurat padti hai. और इन जब वो फैक्टर्स और इनपुट दूसरे इनपुट्स को लगाता है तो उसके ऊपर उसको खर्च भी उठाना पड़ता है, या मॉनिटरी टर्म में हो सकता है, मनी की फॉर्म में हो सकता है, या फिर ये किसी दूसरी फॉर्म में हो सकता है. यू कैन सी द फिजिकल फॉर्म में या फिर साइकोलॉजिकल फॉर्म में ये हो सकता है. तो इस खर्च को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट. ओके, ये खर्च जो किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोड्यूसर को उठाने पड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट. बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज जनरल कॉस्ट, सेकंड इज शॉर्ट रन कॉस्ट, एंड अदर इज लॉन्ग रन कॉस्ट. फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस ओनली जनरल कॉस्ट. शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट वी विल डिस्कस इन अदर पार्ट्स बिकॉज दीज कॉस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो टुडे वी विल डिस्कस ओनली द जनरल कॉस्ट, दैट इज मनी कॉस्ट आ जाएगी इसमें, प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, रियल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी और सोशल कॉस्ट आ जाएगी. और शॉर्ट रन कॉस्ट में ये सारी आ जाएंगी, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट एटसेट्रा. और लॉन्ग रन में लॉन्ग रन की कॉस्ट कर्व्स आ जाएंगी. ओके, सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस ओनली द जनरल कॉस्ट. दीज कॉस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन 2 मार्क्स क्वेश्चन. दीज एनी ऑफ देम कैन बी आस्क्ड. सो फर्स्ट इज मनी कॉस्ट. मनी कॉस्ट क्या होती है? दिस इज सिंपल इन टर्म्स बिकॉज जिसकी पेमेंट या जिसकी लागत हमें मनी के रूप में खर्च उठानी पड़ती है उसको हम क्या कह देते हैं, मनी कॉस्ट. सो टोटल मॉनेटरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अ फर्म इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी आर जनरली टर्म्ड एज इट्स मनी कॉस्ट. ओके, जैसे कि अगर हमने लेबर्स लगाए हैं तो उनको वेजेस देनी पड़ेगी, अपने एम्प्लॉयज को हमें सैलरी देनी पड़ेगी, या फिर अगर हमने रॉ मटेरियल लिया है या मशीन इम्प्लांट की है तो उसके लिए भी हमें कैश पेमेंट करनी पड़ेगी. तो इन सब को हम क्या कह देते हैं, मनी कॉस्ट. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन कॉस्ट. प्रोडक्शन कॉस्ट इज आल्सो वेरी इजी कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जितनी भी कॉस्ट एक प्रोड्यूसर को उठानी पड़ी है फैक्टर्स के ऊपर या फिर नॉन फैक्टर्स इनपुट्स के ऊपर, उन सबको हम क्या कह देते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट. ओके, नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट है कि जब प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बना के तैयार कर लेता है तो उसकी पब्लिसिटी के लिए या उसकी प्रमोशन के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा रुपए खर्च करता है जिसको हम कहते हैं सेलिंग कॉस्ट. ओके, फॉर एग्जांपल इसमें आ जाती है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कि उसने अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है तो वो ब्रोशर्स प्रिंट करवा सकता है या फिर टीवी में ऐड दे सकता है या रेडियो में ऐड दे सकता है, तो इसके लिए उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी, उसको हम क्या कह देते हैं, सेलिंग कॉस्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. दिस कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कॉस्ट एंड द नेक्स्ट कॉस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो थोड़ा ध्यान दें. इम्प्लिसिट कॉस्ट ये जो है वो नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट है. इसको हम बुक कीपिंग में इसकी एंट्री नहीं करते. हम इसकी एंट्री इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रोड्यूसर जो है ना वो खुद इसके खर्च उठाता है.
ये जो कोस्ट है उसके सेल्फ ओन्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज के ऊपर होते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि जैसे रेंट ऑन प्रोड्यूसर्स ऑन लैंड है कि किसी फैक्ट्री को लगाने के लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, लैंड की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कि ये जो लैंड है वो उस प्रोड्यूसर के पास खुद का एक प्लॉट हो, उसके ऊपर उसने फैक्ट्री लगा ली, तो उसको रेंट तो पेमेंट नहीं करना पड़ेगा ना, रेंट तो खत्म हो गया। तो ये किस में आ जाएगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट, मतलब कि वो रिसोर्सेज जिसकी प्रोड्यूसर को पेमेंट नहीं करनी पड़ती वो सेल्फ ओन्ड होते हैं, वो उसके अपने होते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन प्रोड्यूसर्स ओन कैपिटल, कि हमें प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, बाहर से लोन लेने की बजाय हो सकता है कि प्रोड्यूसर के पास खुद के पास ही इनफ फंड्स हो, इतना पैसा हो कि वो अपने बिजनेस में लगा सकता है, तो वो किस में आ जाएगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट में आ जाएगी। नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट का बिल्कुल ऑपोजिट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट थी सेल्फ ओन्ड की, मतलब कि वो खुद से ही अपने रिसोर्सेस अप्लाई कर लेता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट है कि उसको बाहर से लेने पड़ते हैं, उसको कैश पेमेंट करनी पड़ती है, जो उसने बाहर से सर्विसेज ली हैं या गुड्स परचेज किया, या फिर बाहर से उसने जैसे रॉ मटेरियल लिया है तो उसको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ये सब क्या आ जाएगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आ जाएगी। जो वो आउटसाइडर्स को पेमेंट करता है, और उसकी अकाउंटिंग, इसको अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं, और इसकी एंट्री भी होती है बकायदा बुक्स में, तो क्या हो जाएगा? इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे रेंट ऑन बिल्डिंग, अगर प्रोड्यूसर का अपना लैंड नहीं है उसके पास, तो ऑब्वियसली वो रेंट पे कोई बिल्डिंग लेगा और उसको उसका रेंट देना पड़ेगा। अगर उसके पास लोन्स नहीं है तो वो बैंक से लोन लेगा और उसकी इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। ये सारे किस में आ जाएगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई एम अगेन टेलिंग यू, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट इज रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या है? कि हमेशा ये नहीं होता कि प्रोड्यूसर को कैश पेमेंट ही करनी पड़ती है, मतलब कि मनी की फॉर्म में ही उसको कॉस्ट उठानी पड़ती है। कई बार ये हो जाता है कि उसको मेंटली भी, साइकोलॉजिकली भी उसका उठाना पड़ता है। सो इट इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड हैज नो रियल लाइफ इम्प्लीकेशन। इसमें हम बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एग्जर्शंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लेबर्स, कि अगर उसने लेबर लगाए हुए हैं फैक्ट्री में और उनके बीच में कोई एक्सर्शन हो जाता है, लेबर्स के बीच में ही किसी बात को लेकर तनाव पैदा हो जाता है, तो उस तनाव को सॉर्ट आउट करने के लिए मेंटली प्रोड्यूसर को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, उसको मेंटली टॉर्चर सहना पड़ेगा, उसको मतलब कि टेंशन हो जाएगी लेबरर्स की तनाव को लेकर। तो इसको हम किस में डालेंगे? रियल कॉस्ट, मतलब कि ये पैसों के फॉर्म में तो नहीं आया, लेकिन फिर भी उसका प्रोड्यूसर को कुछ ना कुछ उठाना पड़ा खर्च। जैसे कि अगर उसको कैपिटल नहीं है प्रोड्यूसर के पास, तो उसने लोन के लिए अप्लाई कर रखा है बैंक के पास, और बैंक वाले उसके चक्कर पे चक्कर कटवाए जा रहे हैं, तो ये भी किस में आ जाएगी? रियल कॉस्ट में, कि उसके पैसे तो नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी उसको कितना ज़्यादा उसके ऊपर उसको टॉर्चर सहना पड़ रहा है। तो ये सब किस में आ जाएगा? रियल कॉस्ट के अंदर। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है? कि टोटल एक्सपेंसेस जो एक प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाने में जो भी टोटल एक्सपेंसेस उठाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक्स कॉस्ट में दोनों ही आ जाएंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट आर द पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक कॉस्ट। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट बेसिकली होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या थी? जो आउटसाइडर्स को हम पेमेंट करते हैं, और जब हम आउटसाइडर्स को पेमेंट करते हैं तो उसकी हम अकाउंट्स मेंटेन करके रखते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द अकाउंटिंग कॉस्ट। तो ये क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट इनकर्ड बाय अ फर्म इन एक्वायरिंग वेरियस इनपुट्स फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स। जो बाहर के सप्लायर से हमने कुछ भी रॉ मटेरियल अगर खरीदा है, तो उसकी पेमेंट की है और उसको बुक्स में मेंटेन किया है, उसकी एंट्री डाली है, तो ये सब किस में आ जाएगी? अकाउंटिंग कॉस्ट में।
Okay, for example, wages to laborers, payment to raw material. Next is opportunity cost. Again, this cost is very important. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो ये होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जब हमें दो चीजों में से एक चीज को सिलेक्ट करना पड़ता है और हम बेस्ट चूज करना चाहते हैं तो वो क्या हो जाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। ओके, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ अदर नेक्स्ट बेस्ट गुड विच हैव टू बी गिवन अप इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन एडिशनल अमाउंट ऑफ दैट कमोडिटी। ओके, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोले कि अगर कोई एग्रीकल्चरल गुड्स बना रहा है, कोई प्रोड्यूसर बना रहा है, तो वो पहले दूसरे प्रोडक्ट्स के, केमिकल प्रोडक्ट्स के कुछ मिक्सचर से अपने प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा था, लेकिन अब उसे पता चल गया कि जो सोसाइटी में ऑर्गेनिक फूड का काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो वो क्या करेगा? वो पहली वाली को थोड़ा सा छोड़ के वो ऑर्गेनिक की तरफ भी जाएगा और ये क्या बन जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। ओके, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है ना, वो हमें हेल्प करती है डिसीजंस लेने में, प्रोड्यूसर को डिफरेंट डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि बेस्ट डिसीजन लेने में। जैसे कि अगर उसने डिटरमिन करना है फैक्टर्स के प्राइसेस, कि फैक्टर के प्राइसेस अगर मैं लेबर को 100 रुपीज़ पे रखूँ या 500 रुपीज़ पे रखूँ, इन दोनों में से उसको सिलेक्ट करना पड़ता है बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जैसे कि इकोनॉमिक रेंट, कंजम्पशन का पैटर्न क्या चल रहा है सोसाइटी में, कैसा ट्रेंड चल रहा है, तो वो क्या करेगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसमें आ जाएगी। ठीक है, लास्ट इज सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या है? कि हमेशा ये नहीं है कि जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो सिर्फ प्रोड्यूसर को ही उसका खर्च उठाना पड़ता है, कई बार सोसाइटी को भी उसका खर्च उठाना पड़ता है। कई बार क्या, हर बार ही सोसाइटी को उसका खर्च उठाना पड़ता है। ओके, सो दीज आर द कॉस्ट विच द सोसाइटी हैज टू बेयर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरिड ऑन इन एन इकोनॉमी। अगर कोई फैक्ट्रीज हैं वो रेजिडेंशियल एरियाज में लगी हुई हैं, तो उसको तो हेल्थ वाइज या फिजिकली सोसाइटी को उसका खर्च उठाना पड़ेगा। सोशल कॉस्ट में सारी क्या आ जाती है? फॉर एग्जाम्पल वाटर पोल्यूशन आ जाता है, एयर पोल्यूशन आ जाता है, नॉइस पोल्यूशन आ जाता है, फैक्ट्री से निकलने वाले ये सारे पोल्यूशन जो है वो पूरी सोसाइटी को सोसाइटी के लिए डेट्रीमेंटल है। सो इसको हम क्या बोलते हैं? सोशल कॉस्ट। कि समाज को भी कुछ खर्च उठाना पड़ता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के साथ। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द कॉस्ट। नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज द शॉर्ट रन कॉस्ट एंड द लॉन्ग रन कॉस्ट। सो स्टे ट्यून्ड विद इकोनॉमिक दर्पण चैनल। थैंक यू।